और ये है हमारी आज की क्या कहते हैं होस्ट. थैंक यू सो मच. हाय गाइस, तो आज मौसम है सुहाना, दिल है मस्ताना, लेकिन ऑफिस तो है जाना, तो नहीं चलेगा कोई बहाना. तो फाइनली हम आ गए ऑफिस, और एज यू कैन सी कहीं भी धूप नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है. तो बस मस्त हवा खा रहे हैं ठंडी ठंडी छत पे. समय कुछ 11:30 हो गया है सुबह के. सुबह से व्लॉग भी नहीं बना पाती, जिस दिन ऑफिस आना होता है बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है, क्योंकि श्रीन छोटी है, उसको भी संभालना पड़ता है. सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ जाती है तो फिर लेट भी करा देती है, एंड उसके बाद जल्दी जल्दी ऑफिस भी आना होता है, टाइम पे पहुँचना है, रेजोल्यूशन जो लिया हुआ है. तो उसके बाद ऑफिस आने के बाद फिर एज यूजल काम बहुत होता है, टाइम ही नहीं मिलता व्लॉग बनाने का. फिर भी कोशिश करती हूँ मैं थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए और आप लोगों से बात कर सकूँ. और बस बाकी सब मस्त है. आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो गए और करेंगे. अभी आज लंच में एक्चुअल में पार्टी है, फिर से पार्टी होती रहती है, छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि खुशियाँ बांटनी से ही बढ़ती हैं. आज है ईरम की पार्टी, ईरम ने आज पार्टी दी है, तो हाँ देखते हैं कि क्या बनाकर लाई हैं मैडम, क्योंकि आज होममेड पार्टी है ईरम के तरफ से हम सब लोगों के लिए. वो भी मैं फिर शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, क्या क्या हमें खाने को मिलेगा, यमी 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 फॉर टमी. एंड तब तक बस काम कर लेते हैं और फ्री होके आपसे करते हैं बातें, बाय. तो यहाँ पे खाना आ चुका है, खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है. इसके अंदर तो आई गेस नॉन वेज है, विच आई डोंट लाइक. बाकी इन सारी चीज़ों के अंदर वेज ही है, और ये है रसमलाई, और ये सैलेड किधर गया, बाकी और सामान नीचे से अभी आ रहा है. और ये है हमारी आज की क्या कहते हैं होस्ट. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द लंच. कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है. कितनी मेहनत लगी? ज्यादा नहीं लगी. अच्छा, तो लाती रहा अगर हर महीने ज्यादा नहीं लगी तो. और ये कितनी क्यूट है छोटी सी गुड़िया, तो मुझे अच्छा लगेगा सब लोग टेस्ट करेंगे. हाँ हाँ ठीक है, ओके. तो ये खमीरी रोटी लेकर आई है हमारे लिए, जो शायद मैं तो पहली बार खाऊंगी क्योंकि मैंने आज तक नहीं खाई, बट देखने में बहुत यम लग रही है. और यहाँ पे है ढोकला, और इसमें नॉन वेज है जो हमने ओपन नहीं किया है क्योंकि कुछ लोग खाते हैं कुछ नहीं. ये रायता है, यहाँ पे सैलेड है, यहाँ पे है पनीर, एंड ये है सैलेड दूसरा वाला, प्याज एंड ऑल चटनी, और बहुत सारा यमी यमी फूड लेकर आई है. इसके अलावा मीठे में वो रसमलाई भी लाई है. तो बस खाते हैं और इंजॉय करते हैं अपना लंच. भगवान हर साल इसको लंबी उम्र दे और ये हमें ऐसे ही अच्छा अच्छा पकवान बनाकर खिलाती रहे. हम तो नालायक है, बाहर से मंगवा के खिलाते हैं. इसको देखो कितना हेल्दी हेल्दी फूड लाई है. ये है चिकन, मुझे पता नहीं, मेरे को नॉलेज नहीं है कौन सा है. वो खाएंगे ना सब, कहती तब देखना. सर एक्सप्लेन करेंगे. सर ये क्या है, व्हाट इज दिस? मसाला. ये ना ड्राई चिकन है, which is like a tandoor, but इन्होंने I think इसको grill किया, उसपे steam करके फिर इसको pan fry पे stir fry को किया, जिससे ये crispy हो जाए. Okay, so this is a authentic food created by Muslim families. Okay, so up north you go to Kashmir, you get to eat this during the weddings. And this is for you only. So please have it. शादी वाली फील आ रही है, इधर से प्लेट उठाया. मैं ले रहा हूँ बेटा. ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो लोगों के चेहरे पे खुशी, बहुत इंजॉय कर रहे हैं. मैं भी खा लेती हूँ वरना मैं भूखी रह जाऊंगी और सब खत्म हो जाएगा. तो खाना खा चुके हैं हम, खाना बहुत ही टेस्टी था. मैंने ईरम को बोला है, अपनी मॉम को थैंक यू बोलेगी हम सबकी साइड से, क्योंकि उन्होंने एकदम डिलीशियस फूड बनाया था. एंड इवन यहाँ पे एक वो भी शुरू हुआ है, जो हमारे एचओडी है, उन्होंने बोला है कि चैलेंज दिया उन्होंने, जितनी भी मैरिड वुमेन है या गर्ल्स हैं, वो उन्होंने बोला है कि वो मतलब लाइक खाना बनाकर लाएं टेस्टी टेस्टी कभी वंस इन अ वाइल, जब भी उनके पास टाइम हो आफ्टर टू डेज हॉलीडे, और जैसे कुछ भी होता है छुट्टी होती है उसके बाद वो प्रिपरेशन कर सकती हैं और नेक्स्ट डे बना के ला सकती हैं. तो देखते हैं कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट करता है और खाना बना के लाता है. और अभी मैं तो सब बहुत हैप्पी है, सबने मस्त खाना खाया. ये देखो सब थैंक यू कहना चाहोगे ईरम को. हमने अपना लंच नहीं किया तुम्हारे खाने में. उसने पहले ही मना किया था ना लाने को. क्यों लाए आप? सॉरी. क्यों लाए? सॉरी बोलो. चलो सॉरी.
थैंक यू इरम। और आज ये हमारे ऑफिस के बाहर मेला लगा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारी जनता आई हुई है। वैसे मेरा फोन भी छीन के भाग सकते हैं, मैं रिस्क में वीडियो बना रही हूँ। तो मैं आ गई हूँ मेट्रो स्टेशन और अभी मुझे जाना है मार्केट, क्योंकि मुझे लेनी है शीन के लिए एक मंकी कैप। वो बहुत ज़्यादा शैतान हो गई है एक्चुअल में, कोई भी कैप पहनाओ उसे वो फेंक फेंक देती है उसको उतार के ऐसे खींच के। तो मैंने डिसाइड किया है, ठंड बहुत हो रही है, उसकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो रही है, तो मैं सोचती हूँ उसके लिए मंकी कैप ले लेती हूँ। वो रिमूव नहीं कर पाएगी तो फिर वो ठीक रहेगी सर्दियों सर्दियों। तो बस चलते हैं मार्केट, फटाफट खरीद लेते हैं उसके लिए एक मंकी कैप, अपने लिए भी कुछ देख लूँगी। तो हम आ गए हैं शीन की कैप वाली शॉप पे, लेकिन यहाँ पे आपको शायद मेरी आवाज़ ना आए क्योंकि लड़ाई हो रही है पीछे, लोग आपस में गुतने फैल रहे हैं पता नहीं किस चीज़ पे। ले लेती हूँ मैं उसके लिए कैप। यहाँ देखो कितनी अच्छी सुंदर सुंदर कलेक्शन है, बच्चों की कैप लेने आए थे यहाँ पे कैप, और यहाँ हमें मिल गए हैं भैया भाभी, वो भी अपनी बेटी की कैप लेने आए हैं। कौन सी कैप लेना पसंद करोगे? ब्लू वाली। ये देखो बता रहे हैं ब्लू वाली, बांधने का कुछ सिस्टम नहीं है, वो भी उतार के ऐसे फेंक देगी, कुछ नहीं होना, ले जानी है और घर जाके कबाड़ा मचाना है। इनके पास एक्चुअल में ग्लव्स हैं, मफलर्स हैं, कैप्स भी हैं, बहुत सारी बैग्स वगैरह, बहुत सारी अच्छी अच्छी कलेक्शन है, बच्चों की भी है बड़ों की भी है, किसी के लिए कुछ भी ले सकते हो आप। ये देखो आप मेरे पीछे इतने सुंदर सुंदर मफलर हैं, और यहाँ पे इनकी कैप्स एंड ऑल बैग्स वगैरह भी हैं, सारी चीज़ें सेल करते हैं। हम मोस्टली यहीं से ही ले लेते हैं जब भी कोई कैप चाहिए होती है शीन के लिए, अपने लिए या कुछ भी चाहिए होता है, तो मुझे ये शॉप बहुत अच्छी लगती है। परफ्यूम एंड ऑल भी रखते हैं भाई लोग, इनके पास कलेक्शन है हर चीज की, तो ले लेते हैं एक बार। तो ये हमने देखी है यहाँ पे बहुत सारी मंकी कैप, और दोनों बच्चे क्या दिखा रही उनको, बांधने वाली। फाइनली ये आ रही है हमें पसंद, टेडी बना हुआ है इसमें, ये ले लेते हैं। और यहाँ पे सॉक्स वगैरह भी है, ये बहुत क्यूट लग रहे हैं। इनके पास नए सारे डिजाइन अवेलेबल है, फर वाले एंड आजकल जो वो मफलर वाले मास्क चल रहे हैं, ग्लव्स एंड ऑल सारी चीजें। एक ये मफलर वाली कैप है जो ऑलराउंडर है, मतलब टू इन वन है बेसिकली, इसे मफलर भी बना सकते हो और मास्क भी बना सकते हो और कैप भी बना सकते हो, थ्री इन वन है। तो एक मेरे को ये भी अच्छी लग रही है मेरे हस्बैंड के लिए, मैं ये भी ले लेती हूँ। और एक आजकल जो ये चल रही है, ये वैसे है इनके पास बट स्टिल एक और ले लेते हैं, नहीं नहीं कहीं जाना होगा तो ठंडी लगेगी। और एक शीन के लिए लिए हैं शूज, हम मार्केट आए और शीन के लिए कुछ ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता, बहुत क्यूट लग रहे हैं, तो इसके लिए ये भी ले लेते हैं। बहुत सारा सामान ले लिया, मेरे लिए कुछ नहीं लिया क्योंकि मैं ऑलरेडी एक कैप ले चुकी हूँ, बस अब घर निकलते हैं। मैं आई हूँ अभी हेयर बैंड की शॉप पे, और ये एक मेरे को थोड़ा पसंद आ रहा है, पता नहीं कैसा लग रहा है मेरे ऊपर, भैया बोल रहे हैं टूटेगा नहीं बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, तो मैं ये ले लेती हूँ। अच्छा लग रहा है वैसे, चला भी जाएगा सबके साथ, जब बाल गीले होते हैं तब काम आएगा, क्योंकि सुखाने के लिए एक्चुअल में चाहिए होता है, कुछ ना लगाओ तो वो मुँह पे गिरते रहते हैं। और इनकी शॉप पे है वैरायटी बहुत सारी चीज़ों की, सब कुछ है जो हम कलरफुल जो हम बचपन में देखते हैं ना कि ये भी चाहिए मम्मा ये भी चाहिए, ये देखो इतनी सुंदर सुंदर क्लिप और हेयर बैंड्स एंड ऑल है। मन तो कर रहा है सब कुछ एक 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 ले लूँ बट इतने बड़े बाल है नहीं मेरे तो। और कुछ पार्टी वियर है जो शायद यहाँ पे विक भी हैंग हो रखी हैं, कुछ पार्टी वियर भी है जो शायद मैं यूज कम कर पाऊँ, बट मुझे बहुत सुंदर लग रहे हैं एक्चुअल में। मार्केट आके बस ऐसे मन करता है ये भी ले लो ये भी ले लो, इसीलिए मैं प्रेफर नहीं करती जल्दी। तो सारी शॉपिंग हो गई है, सब कुछ खरीद लिया है हमने, बस अब मैं निकलती हूँ फटाफट क्योंकि मार्केट पूरी बंद हो रही है और अब पुलिस वाले अंकल घूम रहे हैं, पकड़ के ले जाएंगे, चलान काट देंगे क्योंकि सब कुछ बंद हो गया है। शीन भी घर पे वेट कर रही है, तो चलते हैं आप घर फटाफट। तो अभी बज गए हैं 8:15 और मैं आ गई हूँ वापस घर, बट शीन सोई हुई है, वो मोस्टली जब मैं वापस घर आती हूँ तो सो जाती है क्योंकि उसको पावर नैप चाहिए होती है 2-3 घंटे में। अभी उठेगी फिर करेंगे उसके साथ मस्ती, तब तक डिनर एंड ऑल कर लेती हूँ और फ्री हो जाती हूँ, फिर उसके साथ खेलूँगी। तो शीन के लिए हम लेकर आए थे ये वाली कैप जो उसने अभी लगाई हुई है, बहुत क्यूट लग रही थी मुझे, बोल रही है क्यूट लग रही है, थैंक यू बोल रहे हो, हाँ जी बातें कर रहे हो आप सबसे मम्मा की तरह। इसमें दो मंकी वाली आईज भी बनी हुई हैं, ये एक्चुअल में मंकी कैप लेने गए थे बट वो अच्छी नहीं लग रही थी तो ये पोम पोम वाली ले ली, इसको टाई कर देंगे फिर ये उतार के नहीं फेंकेगी। और इसके लिए छोटे छोटे शूज भी लेकर आए हैं,
अभी पिनाए भी थे मैंने इसको, बट मैडम ने उतार के फेंक दिए। शीन शूज कहाँ है आपकी? कहाँ गए शूज जो मम्मा लाई थी अभी अभी? कहाँ रख दिए? बात कर रही है आप सबसे? क्या कह रहे हो? अपना ध्यान रखो, ठंड हो रही है, घर से बाहर नहीं जाओ, टोपी पहनो मेरी तरह। गुड नाइट बोल लो। बातें करने लग गई है। बात कर रही है। हाँ जी, अच्छा हाँ। और एनीथिंग एल्स यू वांट टू से एक्सेप्ट दिस? ऐसे तो आपसे कोई बात नहीं करेगा, सब कहेंगे शीन गंदी है। चलो ठीक है, तो अभी बज गए हैं रात के 10:30, अब बस कोशिश करते हैं मैडम को सुलाने की। शीन से गुड नाइट। गुड नाइट, कल मिलते हैं। चलो ठीक है, तो डिनर कर चुके हम। शीन नो, डोंट डू दैट। बता दो, डिनर कर लिया हमने, अब हम सोएंगे और मम्मा करेगी एडिटिंग, और अब करते हैं वीडियो एंड, कल बनाएंगे व्लॉग। बाय।